तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ONGC के स्टॉक के बारे में। ONGC के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिली थी, लेकिन गिरावट के बाद भी स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन जो ये स्टॉक है ये अगेन एंड अगेन यहाँ पर 205 के लेवल से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टॉक ने लास्ट टाइम भी स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी और अभी रिसेंटली भी हमको यहाँ पर स्टॉक में सेम लेवल से यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.64% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में अभी और तेज़ी आती है तो यहाँ से अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 205 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 250 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 220 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 230 और 240 250 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 201 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 196 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 192 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।